विश्व कप 2019 में बाहर होने के बाद अब टीम इंडिया के चयनकर्ता और कप्तान कोहली समेत कई खिलाड़ी सवालों के घेरे में हैं। आपको बता दें कि टीम के चयन को लेकर पहले ही दिग्गज बीसीसीआई और विराट कोहली की क्लास लगा चुके हैं। वहीं नंबर 4 और नंबर 6 का गणित अब तक भारतीय टीम नहीं समझ पाई है। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया के कप्तान और चयनकर्ता अभी भी T20 फॉर्मेट में पुराने खिलाड़ियों को ही मौका देना चाहते हैं, जबकि अगले साल होने वाले वर्ल्ड T20 के लिए अभी टीम का रोड मैप तैयार करने की बात की जा रही थी। आपको बता दें कि भारतीय टीम वनडे और T20 में लगभग सेम नज़र आ रही है, और ख़ासतौर पर बल्लेबाजी जो भारत की कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है हाल फिलहाल के दिनों में, कहीं ना कहीं अब ये चीज़ समझी जानी चाहिए। और ये मुद्दा उठाया है टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने हाल ही में एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में साफ कहा कि टीम को अगर आगे लेकर जाना है और छोटे फॉर्मेट में सक्सेस हासिल करनी है तो टीम में एक्सप्लोसिव खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। रोहित ने भी कहा कि साल 2007 के विश्व कप में जिस तरह से दिग्गज खिलाड़ियों के मना करने के बाद युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो वो विश्व कप जीत कर लाए थे। रोहित शर्मा ने कहा कि ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आपको सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता, ऐसे में टीम का सिलेक्शन भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि कई बार आपको टफ कॉल्स लेने ज़रूरी होते हैं, और अगर चयनकर्ता और कप्तान टफ कॉल्स लेने की बात करते हैं तो उन्हें टफ कॉल्स लेने भी पड़ेंगे। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लगातार 1 से 2 साल से टीम में रखा गया है, लेकिन वो उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी बाहर हुई। यानी कि अब हिटमैन ने खुलकर कोहराम मचा दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप टीम को सही तरीके से नहीं लेकर जाएंगे तो फिर टीम में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खासतौर पर केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को टीम में लिया गया मयंक अग्रवाल पर तरजीह देकर, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से टेस्ट में डेब्यू किया भारतीय टीम के लिए, और उन्हें वनडे और T20 टीम में जगह नहीं दी गई। उन्हें विश्व कप की टीम में बैकअप के तौर पर तो रखा गया, लेकिन उसके बाद उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर चयनकर्ता और विराट कोहली क्या जवाब देते हैं। ANP न्यूज रूम से दीपक चंद की रिपोर्ट।